हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट द क्वेश्चन सेज विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इन न्यूमेरिकल टेक्जोनॉमी तो हमसे यहाँ पर न्यूमेरिकल टेक्जोनॉमी के बारे में बात करी गई है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल टेक्जोनॉमी इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच वी असाइन नंबर्स नंबर्स एंड कोड्स कोड्स टू ऑल द कैरेक्टर्स दैट आर ऑब्जर्वेबल तो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम इसमें जो है क्लासिफिकेशन करते हैं अब क्योंकि यहाँ पर कोड्स एंड नंबर्स हैं तो कोड्स एंड नंबर्स जो है वो बहुत बड़ा डाटा है बहुत बड़ा डाटा है जिसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी इस डाटा को एनालाइज़ करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए हमें कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप मैनुअली नहीं कर सकते क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमें ऑप्शनस में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हमें ऑप्शन में दिया हुआ है ईजिली कैरिड आउट यूजिंग डाट कम्प्यूटर्स तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो न्यूमेरिकल टेक्जोनॉमी है उसको हम इजीली कैरी आउट कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से तो बच्चों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है बी देख लेते हैं बी में हमें दिया हुआ है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स तो बच्चों बिल्कुल सही बात है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर ही हम ये इस टाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं न्यूमेरिकल टेक्जोनॉमी को देखते हैं तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है सी में दिया हुआ है बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर्स काउंटेड मैनुअली तो बच्चों इतने कम कैरेक्टर्स पर हम इसे डिस्कस नहीं करते क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा होता है तो हमको कंप्यूटर की हेल्प से प्रोसेस करना पड़ता है यहाँ पर लिखा है फ्यू कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं तो फ्यू कैरेक्टर्स को कंसीडर नहीं करते डाटा बहुत बड़ा होता है मैनुअली हम उसे नहीं प्रोसेस कर सकते तो ऑप्शन नंबर ए और बी बिल्कुल सही है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होप आप लोगों को ये सल्यूशन समझ में आया हो बच्चों थैंक यू ऑल द बेस्ट